We are going to learn some basic concepts in geometry. Aaj hum dekhenge lines and angles. Now, what is line? Line has no end points and can be extended endlessly in both the direction. मतलब लाइन वो है जो कि हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं इसको. इसकी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती. इन बोथ द डायरेक्शन इट कैन बी एक्सटेंडेड. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ये लाइन का एक हिस्सा होता है. इसके फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं और इसकी स्पेसिफिक लेंथ होती है. नेक्स्ट, व्हाट इज रे? रे भी पार्ट ऑफ अ लाइन है. वन एंड पॉइंट इसका होगा और ये एक डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं इसको. दैट इज रे. हियर पी क्यू इज अ रे. कोलिनियर पॉइंट्स. अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? इफ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन. अगर किसी लाइन पे तीन से ज्यादा लाइन पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. नाउ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, those points which do not lie on the same line. अब यहां पर देखिए, AB पे point P है, CD पे Q है, EF पे R है. They are not lying on the same line. Thus they are non-collinear points. Intersecting lines क्या होती है? जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि they have a common point. One point is common. कोई एक point common होगा. That is known as the point of intersection. Parallel lines. Lines that do not intersect, that never meet. अगर दो लाइन है और वो इंटरसेक्ट नहीं होती है तब उसे हम कहते हैं parallel lines. उनके पास कोई common point नहीं होता. तुम कितने भी दूर हम इसको एक्सटेंड कर लें, लेकिन वो मीट नहीं करेंगे. अब ऐसे ही में आता है परपेंडिकुलर लाइंस. व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइंस? परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइन व्हिच इंटरसेक्ट एंड फॉर्म अ राइट एंगल. मतलब दो लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं और एक राइट एंगल फॉर्म करते हैं तब उन्हें कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. एंगल. अब एंगल क्या है? टू रेज व्हिच शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट्स फॉर्म एन एंगल. अब रे हमने क्या देखा था? पार्ट ऑफ अ लाइन, वन एंड पॉइंट. तो जब दो रे और कॉमन एंड पॉइंट है तो कॉमन एंड पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. देयर बी इज द वर्टेक्स. और जो दो रे है उनको हम कहते हैं आर्म्स. ये आर्म्स है एंगल. एंड वर्टेक्स इज द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ एंगल. नाउ एंगल्स हैं. एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल आपने देखा होगा. एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ऐसे करके. तो अब ये एक्यूट एंगल क्या है? एक्यूट एंगल्स आर दोज एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री. जो भी एंगल का 90 डिग्री से लेस मेजरमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल. अब यहाँ जैसे है पी क्यू आर, और ये अगर सपोज हम x मार्क कर दिए तो 0 इज लेस देन x लेस देन 90. मतलब 0 और 90 के बीच में लाई करेगा. PQR इज लेस देन 90 डिग्री. ऐसे ही राइट एंगल. अब राइट एंगल हमने यहां पर देखा था परपेंडिकुलर लाइंस में 90 डिग्री फॉर्म करता है. तो राइट एंगल में जब कोई एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल. यह y है तो y इक्वल्स टू 90 डिग्री. अब ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. पहले हमने देखा लेस देन 90, इक्वल टू 90. अब इसका मतलब ये ग्रेटर देन 90. ऑब्ट्यूस एंगल्स आर दोज एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री. मतलब अगर सपोज मैं इसको जेड मार्क कर देता हूं, ई एफ जी इज एन एंगल एंड द मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज जी, देन जी लाइज बिटवीन 90 less than z less than 180. It lies between 90 and 180. Now what is a straight angle? Straight angles are those angles whose measure is 180 degree. Here suppose AOB is a straight angle and its measure is A, then measure of angle AOB equals to 180 degree. अगर कोई भी angle है जिसका measurement 180 degree है हम उसे कहते हैं straight angle. Next,
रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल जानने से पहले हम देख ले एंगल एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट का एंगल 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल जैसे यहां पर एस टी यू, अब हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है एंड इट इज मार्क एस टी। अब हमने टी से मार्क किया हुआ है तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू लाई करती है 180 लेस देन टी लेस देन 360। अब देखो हमने यहां देखा था स्ट्रेट एंगल 180 है, तो 180 से ज्यादा वाला जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो 180 लेस देन टी लेस देन 360 दैट मीन्स मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल लाइज बिटवीन 180 एंड 360। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा होगा और उसका मेजरमेंट 180 और 360 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है तो ये एंगल्स फॉर्म कर रही हैं। ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है तो इन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस दे आर इक्वल ऑपोजिट टू ईच अदर। अब ये एंगल ऑपोजिट टू ईच अदर, दिस आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एंड दे आर इक्वल। दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एंड दे आर इक्वल। जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी तो जो एंगल्स ऑपोजिट होंगे वो इक्वल होंगे, उन्हें हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। नाउ एडजेसेंट एंगल्स, दो एंगल्स को हम एडजेसेंट कब कहते हैं? जब उनका वर्टेक्स कॉमन हो। वर्टेक्स कॉमन हो, यहां पर जैसे POQ एंड QOR आर एडजेसेंट एंगल्स एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स O, दिस इज एन एडजेसेंट एंगल। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, लगता है मुझे समझ आ गया होगा। प्लीज डू शेयर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।